उसके दही पे पेस्ट कर दो, और ये फिर ऐसे करो इसका पेस्ट। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा होगा दिखने में। ओके तो देख लो गाइज, तो ये फिर गेट पे जाएगा, तो ये फिर क्लिक करके टाइमर लोड रहेगा। ओके देख लो, तो गाइज इस तरह से पोस्ट एक क्लिक में कैसे जनरेट करोगे। ओके तो ब्लॉगर को जो एपीके पोस्ट प्लस यूआई टेम्पलेट में कैसे यूज़ करोगे, मतलब एपीके को कैसे डालोगे। ओके तो ये नेम वगैरह दोगे, कैटेगरी वगैरह, स्किन वगैरह जो डाउनलोड स्किन है तो वाला दे देना, तो ये पे मेरा लिंक भी ट्रांसफ़र कर देगा। ओके तो ये वाला जो टाइमर है, टाइमर वगैरह सब कुछ एक क्लिक में हो जाएगा। आपको सिंपली नेम और कैटेगरी जो भी चाहिए तो ये पे डालना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ जो किस तरह से पोस्ट है। तो ये पे एपीके पोस्ट देख सकते हो, एप्लीकेशन तो वाला एक एप्लीकेशन है, मैं जो दूसरा अपडेट में आपको लेके आऊँगा जो वेब में कैसे करोगे। तो HTML फाइल दूंगा सेकेंड टाइम, जो ब्लॉगर पोस्ट पे कर सकते हो। तो ये पे आप एपीके का टाइटल देख सकते दे सकते हो, और ये पे जो एपीके का इमेज दे दोगे। ओके उसका डाउनलोड लिंक, तो ये पे कोई भी एक आईडी देना पड़ेगा जो पे जे पे आपको टाइमर रिलोड होगा। ओके तो ये पे स्क्रीनशॉट वगैरह डालोगे, कोई भी स्क्रीनशॉट डालोगे। ओके तो ये पे इमेज वगैरह डालोगे तो स्क्रीनशॉट का यूआरएल डालना पड़ेगा। पहले तो ब्लॉगर पे अपलोड कर सकते हो, कोई कहाँ से भी अपलोड कर सकते हो, गूगल ड्राइव पे भी अपलोड कर सकते हो। तो ये पे एक गूगल ड्राइव पे आप अगर आप जो अपलोड करोगे उसमें ये लिंक को एवरीऑन करना पड़ेगा। ओके तो ये पे डालोगे स्क्रीनशॉट, एक ही स्क्रीनशॉट डालोगे ऑटोमेटिक ये पेज ए पे ऐड हो जाएगी। ओके तो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। ए पे कैटेगरी एक दे दो, करना पूरा डिटेल्स भर देना। ओके ए पे डिटेल्स कुछ भी नहीं है, तो ए पी के टाइटल है। तो ये वाला जो पोस्ट जनरेट करोगे आप ये पे डालोगे, तो ये पे मैं आपको दिखाता हूँ, एडिट करके दिखाता हूँ। और प्लस यू टेम्पलेट यूज़ करोगे तो और भी ईजी है। तो देख लो इस तरह से पोस्ट का जो कोड जनरेट होगा, तो इंडेक्स भी हो जाता है। ओके सिंपल सा इंडेक्स भी हो जाता है। ओके तो मैं आपको दिखाता हूँ, तो फिर इसका मैं कि डिटेल्स भर के करके दिखाता हूँ। पहले तो मैं टाइटल कॉपी करता हूँ। ओके अगर आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो टाइटल जो ऐड हो जाएगा। ओके टाइटल इसका इमेज का यूआरएल मैं एपी ऐड कर देता हूँ, जो ये देख सकते हो ये इसका आइकन है, तो आइकन का यूआरएल मैं ले लेता हूँ। तो इसका डाउनलोड लिंक, ओके तो डाउनलोड लिंक तेरी की मैं डाउनलोड लिंक भी कॉपी कर लेता हूँ। ओके ये भी शायद एक फर्स्ट वाला लिंक है, डाउनलोड लिंक का इमेज भी देना पड़ेगा। ओके नहीं देना पड़ेगा। ओके देना भी नहीं सही है। ओके ये पे आइकॉन ऑटोमेटिक ले लेगा। ओके तो फिर डाउनलोड लिंक डालो। ओके तो ये पे कोई भी आईडी दे दो, मैं DDD1 दे देता हूँ। ओके इसका स्क्रीनशॉट का यूआरएल, ओके स्क्रीनशॉट का यूआरएल, तो इसको मैं प्रीव्यू करके इसको कॉपी कर लेता हूँ इमेज को। तो मैं समझ लो 3-4 इमेज डाल दिया। ओके तो फिर पेस्ट करो, पेस्ट करो, पेस्ट करो, लॉन्ग फेस करोगे ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, न्यू यूआरएल का हुए ऑटोमेटिक ऐड होते रहेगा। ओके जो मैं इसमें ए फिर 3 बार पेस्ट किया हूँ। ओके तो 3 बार हो गया कैटेगरी मोटे फीके, मोटे फीके स्किन समझ लो 199 MB। ओके शंकर फॉर मोट है। ओके ये पे अबाउट डाल सकते हो, नेवी डाल सकते हो, तो ये भी ऐड हो जाएगा। एक बार ऐड हो जाएगा तो समझ लो ये दूसरा वर्शन है। तो ये पे क्या करो, जो इसके टाइटल इसका वर्शन समझ लो 2। ओके तो ये पे 2 का डाल के डाउनलोड लिंक को सेंस करो और फिर से जनरेट करो। तो ये पे लॉन्ग पेज करो, इसको कॉपी हो जाएगा। ओके कॉपी होने के बाद अब ब्लॉगर पे फिर से आ जाओ, यही पे क्रिएट ए पोस्ट करो। तो मैं इसको एडिट में जाता हूँ उसका, मैं भी ऑनलाइन .in पे जाता हूँ। ओके तो ये पे प्लस आइकन पे क्लिक करो, उसके दे पे पेस्ट कर दो, और ये फिर ऐसे करो इसका पेस्ट। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा होगा दिखने में। ओके
तो देख लो गाइज, तो फिर गेट पे जाएगा तो ये पे क्लिक करके टाइमर लोड रहेगा। ओके देख लो, तो ऑडिट होगा इसका डायरेक्टली लिंक पे ट्रांसफर करेगा। ओके तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, और सीएसएस वगैरह है तो आपको देखने को मिलेगा वीडियो के नीचे, तो फिर आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके तो मेरे डाउनलोड साइट का लिंक है, तो फिर वेरीफाई वगैरह करेंगे तो हो जाएगा।